श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी श्री पुनित गहलोत ने युवाओं में बढ़ रही नशे की लत को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी बड़वानी श्री बलदेव सिंह मुजालदा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग पुलिस टीमें गठित कर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु रवाना किया। बड़वानी पुलिस टीम ने रेवा सर्कल पर बैरिकेड्स लगाकर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी है, जहाँ कुछ समय बाद अंजड़ रोड तरफ से पुलिस टीम को एक मोटरसाइकिल आते दिखे, जिस पर मुखबिर द्वारा बताए गए संदेही मोटरसाइकिल को रोका और तलाशी लेते हुए दोनों के पास अलग अलग दो पुड़िया में अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिली है, जिनका वजन करते हुए कुल 12 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत 30,000 रुपए का होना बताया है। इस प्रकार कुल 24 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ कीमत कीमत 60,000 रुपए व परिवहन में उपयोग की गई दो मोटरसाइकिल कीमत 1,00,000 रुपए की जब्त की गई है। आरोपी कुंदन सोलंकी, सपना उर्फ चिंकू, दर्शन उर्फ डीके एवं अरबाज मंसूरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए हैं। गिरफ्तार शुदा आरोपियों से मादक पदार्थ खरीदने व बेचने के संबंध में पूछताछ जारी है। विशेष भूमिका निरीक्षक बलदेव सिंह मुचालदा, उन्हीं माया अलावा, उन्हीं श्रीराम मंडलोई, उन्हीं रमेश सोलंकी, रवीन कन्नौज, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक रितेश खत्री, प्रधान आरक्षक योगेश पाटिल, प्रआर 229 जगजोत सिंह, प्रआर 70 शैलेंद्र सिंह, प्रआर 523 का योगदान सराहनीय रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए इंदौर संभाग से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। जी हाँ, हमारे जिले में युवाओं में नशे की लत को बढ़ते हुए देखकर हमारे श्रीमान पुलिस अध्यक्ष महोदय श्री पुनित गहलोत साहब ने थाना प्रभारी और लोगों को पूरे जिले में निर्देशित किया कि मादक पदार्थ की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में हमारे SDP द्वय दिनेश चौहान बड़वानी और रोहित अलावा राजपुर, उनके मार्गदर्शन में सभी थाना प्रभारी कार्य कर रहे हैं। इसी तारतम्य में बड़वानी TI श्री बलदेव मुजालदा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मोटरसाइकिलों से ब्राउन शुगर की पुड़िया लिए हुए कुछ युवा लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने दो टीम गठित करके तस्करी करने वालों को घेराबंदी की। तो जैसे एक नवलपुरा कसराव साइड से कुछ युवा आ रहे थे, मोटरसाइकिलों को घेराबंदी करके पकड़ा, तो उसमें एक मोटरसाइकिल से दो लड़के आ रहे थे, उनको नाम वगैरह पूछने पर उनको पकड़ा। तो उनके नाम पता पूछने पर एक ने अपना कुंदन नाम, दूसरा उसके साथ बैठी लड़की सपना थी, उनकी तलाशी लेने पर दोनों के पास एक एक पुड़िया मिली 6-6 ग्राम की ब्राउन शुगर की। उनको पकड़कर गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई की गई। दूसरी मोटरसाइकिल अंजर साइड से आई, वो दूसरी टीम लगी थी, उन्होंने पकड़ा, उनमें भी दो लड़के थे, उनसे पकड़ा, उनमें एक दर्शन और अरबाज नाम के लड़के मिले, उनकी तलाशी पे उनके पास भी 6-6 ग्राम की दो पुड़िया मिली। इन दोनों टीमों से दोनों अपराधियों से पूछताछ पर इन्होंने शुभम नाम के लड़के से ये ब्राउन शुगर खरीदना बताया, शुभम को भी गिरफ्तार किया और शुभम से पूछताछ पुलिस द्वारा की गई तो उसने अली बोरा का नाम बताया, जो अभी फरार है, और प्रकरण दोनों चारों पांचों आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से ये सप्लाई में लगे हुए थे? ये विगत समय से पता चल रहा है, लेकिन हमें कभी जानकारी मिली कि ये युवा लोग लगे हुए हैं, तो इनकी बारीकी से जानकारी उठाई जा रही है कब से ये लिप्त है। बड़वानी में किन लोगों को सप्लाई करते थे सर? अभी इसी पूछताछ जारी है। इसमें सर अली बोरा जो है वो मेन व्यक्ति सर? ये अभी तक तो यही बात आई कि अली बोरा मेन है, लेकिन वो कहाँ से लाता है वो गिरफ्तार होने पे पता चलेगा। अली बोरा रहने वाला कहाँ का सर? ये यही बड़वानी का होना बताया गया है। और अंजड़ के में कोई जिले को और कोई लिप्त पाया गया सर?
नहीं, तलून गांव के कुछ हैं और बाकी बड़वानी के, बाकी विस्तृत जानकारी योजना पे जो जानकारी आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।